याद रखना, ये अयोध्या जो है ये सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी है। इस अयोध्या में बड़े बड़े दानवीर, बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं जिनका नाम है संसार में। एक बार देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ है, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महात्मा मौजूद हैं, वशिष्ठ विश्वामित्र बैठे हैं। वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य हरिश्चंद्र की प्रशंसा करनी शुरू कर दी, तो ये बात लोगों विश्वामित्र को कतई अच्छी नहीं लगी, क्योंकि दूसरे के पुत्र की और दूसरे के शिष्य की प्रशंसा हर व्यक्ति को हजम नहीं होती है। कहू की लला की प्रशंसा तुम कहू के सामने करो तो अगर भाई अच्छी लगे तो मन ही मन में मुस्कुराए, वो अच्छी न लगी तो लंबी लंबी सांस लिए भी। हाँ, अगर नीक ही न लगी और दूसरे के लला की, दूसरे के लला की और दूसरे के चेला की प्रशंसा हरे आदमी झेलू ना पात हो, हाँ अच्छी ना लगत भाई। अगर किसी के लड़के की प्रशंसा आप करना तो अगर अच्छी लगे तो वो प्रशंसा करने लगे संग संग, और अच्छी ना लगी तो का के मान हाँ यार जानता है, हाँ ऐसो तो ना वैसे का तो खैर जानता है, मुंह टेढ़ो करे सारे को अच्छी ना लगे। याद रखना लोग, विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी, बोली तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, इतनी प्रशंसा के योग्य वो है नहीं है? अरे मानता हूँ घर में पैसा है तो जब पैसा है तो सब दान कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उससे जैसा दानी कोई संसार में नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा दानी नहीं है जितनी आप प्रशंसा कर रहे हो। घर में जब पैसा होता है तो सब दानवीर बन जाते हैं, लेकिन जाको मतलब जनाइए पूरी दुनिया में कोई वक्त बराबर ना है। क्यों सुनो सत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी रहती है, धर्म से डिगा सकता हूँ, नहीं डिगा पाओगे, और डिगा दिया तो बोले अगर तुमने हमारे बेटा को धर्म से डिगा दिया तो मैं अपनी आदि तपस्या तुम्हारे नाम के ऊपर न्योछावर कर दूंगा, समझे? बोले तो ठीक है। तीन रूप चाहिए, पहला
शूकर का, दूसरा ब्राह्मण का, तृतीय रूप मुझे सर्प का चाहिए। चले जाओ। चले। राजा हरिश्चंद्र की बड़ी सुंदर सी बगिया है, सुंदर सुंदर फुलवारियां हैं, सुंदर सुंदर क्यारियां बनी हैं, फूल पत्तियां हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है बाग में। अरे कोयल